क्योंकि कहा जाता है ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। और इस मंत्र का जरूरत इस घाट पे बखूबी है और हमेशा पढ़ते रहे। यहाँ का नजारा जो देख करके हैरानी है, आज इतना ज्यादा खूबसूरत है, इतना ज्यादा खूबसूरत है जिसका वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। यहाँ क्या चल रहा है अभी फिलहाल? यहाँ गंगा की धारा चल रही है, सॉरी गंडक की धारा चल रही है। हम आपको आगे लिए चलते हैं और आगे का नजारा देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिलता है। सामने अगर आप देखेंगे तो गाना की मीठी मीठी हल्की हल्की आवाज आ रही है, उस आवाज के पीछे आखिर क्या है, हम उसको देखने के लिए हम अपने कैमरामैन सहित अभी वहां पे पहुंचेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या बज रहा है। कैमरामैन फोकस कीजिए, फॉलो मी। आप देखेंगे दूर से ही देखो दोई बालिका, दूर से ही देखो दोई बालिका और सेल्फी ले रही। आइए हम देखते हैं सेल्फी का यह मंजर कैसा होने वाला है। आपको देख करके हैरानी होगा, आप जैसे ही देखेंगे इन सीनों को आपका सर चकरा सकता है। काहे कि यहाँ जो सीन है ना वो सर चकराने वाला ही, क्योंकि कहा जाता है ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। और इस मंत्र का जरूरत इस घाट पे बखूबी है और हमेशा पढ़ते रहेगी। चलिए हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे और हमारे साथ आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ का नजारा जो है आज इतना ज्यादा खूबसूरत है, इतना ज्यादा खूबसूरत है जिसका वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। आपको जान करके हैरानी होगा कि यहाँ का जो आज का नजारा है, आप यहाँ पे सामने दिखाना चाहेंगे। देखिए मोमो मैजिक कैफे जो गंडक के किनारे एकदम तट पे खुला हुआ है और बुलेट लगा हुआ है, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, लोग यहाँ पे आकर के सेल्फी लेते हैं। और ये जगह इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि इस मतलब कहे तो आपके पूरे शहर के सारे कपल्स लोग यहीं आते हैं। आपको बता दें और भी लोग जो घूमने का चाहत रखते हैं घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, नेचर को प्रकृति को इंजॉय करते हैं, वो लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं। और उसी के दौर में हम आपको आगे लिए चलते हैं और आगे का नज़ारा दिखाते हैं। चलिए तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, लेट्स गो, फॉलो मी।